हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ईद मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ विद हिजाब। ये 2020 का मेकअप लुक है, ईद मेकअप लुक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैं स्किन को मॉइस्चराइज करूँगी। इसके लिए मैंने एड्स गुडनेस की सैफ्रॉन डे क्रीम ली है। इसे लगाकर अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि स्किन आपकी अच्छे से हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज रहे। तो यहाँ पर मैं कोई भी फाउंडेशन का इस्तेमाल नहीं करूँगी इस मेकअप को, बट हम मेकअप बहुत ही अच्छा सुंदर सा मेकअप करेंगे। तो उसके बाद मैंने वेट एंड वेल का ग्लोई डुई प्राइमर लिया है। ये आपको विद इन काइंड ऑफ ग्लो देता है। इसे लगाने के बाद आप देख सकते हो स्किन काफ़ी अच्छे से ड्यूई ग्लोई हो जाती है एंड साथ ही पोर्स को भी मिनिमाइज़ कर देता है। उसके बाद मैं लूँगी ब्लू हेवन की ये पैन स्टिक। आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी, अंडर 150 रुपीज़ में। तो इसे मैं इस तरह से लगाऊंगी और एक गीले डैम्प स्पंज की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड आउट करूँगी। तो ये आपको डिसेंट कवरेज दे देगी एंड काफ़ी क्रीमी है, तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। एंड जो हमने प्राइमर अप्लाई किया था डुई प्राइमर, उसकी वजह से आप देख सकते हो विद इन काइंड ऑफ ग्लो आपको दिखेगा मेरे फेस पे। तो इसे मैं अच्छे से लगा कर ब्लेंड करूँगी फेस एंड नेक पर। देन उसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर और इसे मैं अंडरनीथ आईज एंड ब्रिज ऑफ माई नोज, टिप ऑफ माई नोज, फोर हेड, अराउंड माई माउथ इस तरह से लगाऊंगी और सेम डैम्प स्पंज के हेल्प से मैं इसे ब्लेंड आउट करूंगी। ये कंसीलर भी बहुत ही अच्छा है गाइस, अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, आपको अंडर 250 में मिल जाएगा, बट बहुत ही अच्छा है एंड कवरेज भी आप इसकी देख ही सकते हो। उसके बाद मैंने NYP का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है ताकि जो कंसीलर हमने अप्लाई किया वो क्रीज ना करे। नाउ यू कैन सी विदाउट फाउंडेशन भी हमारा जो मेकअप बेस है बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है। उसके बाद आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। आई मेकअप के लिए मैंने हुदा ब्यूटी का ये वाला पैलेट लिया है, ये ड्यूप पैलेट है, सो सॉरी। उसके बाद मैंने एक एंगल ब्रश के हेल्प से ब्लैक शेड को पिक कर अपने आईब्रोज को फिल कर लिए हैं। आप चाहे तो ब्लैक डार्क ब्राउन शेड्स का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने सेम आई शेडो पैलेट में से एक लाइट ब्राउन शेड लेकर इसे क्रीज पर एंड पूरी आईलिड पर से लगाकर मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। सिंपल सा ही आई मेकअप है, बट बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आई मेकअप हम करने वाले हैं। तो बहुत ही इजी वे में मैंने बताया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है और इसे मैं आउटर वी पर लगाऊंगी। और एक ही बार में आपको कलर नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा कलर लेना है, इसे बिल्डअप करना है जब तक आपको डिज़ायर कलर नहीं मिलता। उसके बाद मैंने एक पॉइंटेड स्मॉल ब्रश लिया है, इसमें ब्लैक शेड को लेकर मैंने इसे इस तरह से आउटर वी पर लगाते हुए साथ ही मैंने इसे ब्लेंड आउट किया है ताकि ये आपके आईज़ को थोड़ा सा डेप्थ मिले। उसके बाद मैंने ये ब्यूटीफुल सा रोज़ गोल्ड शेड लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा शिमरी शेड है एंड थोड़ा सा फॉल आउट भी हो रहा था, तो फिंगर की हेल्प से आपको बहुत ही अच्छे से पिगमेंटेशन मिलेगी। देन उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का यह डायमंड डस्ट ग्लिटर लिक्विड आई शेडो लिया है। जहाँ पर हमने ये रोज़ गोल्ड शेड अप्लाई किया था वहाँ तक ही मैं इसे अप्लाई करूँगी एंड जो भी हार्श लाइन्स है उसे मैं फिंगर की हेल्प से इस तरह से ब्लेंड करूँगी। सो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ना आई मेकअप, एंड विद इन 5 मिनट में आप इस मेकअप को कर सकते हो, बहुत ही ईजी है एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसके बाद मैंने सेम एंगल ब्रश में ब्लैक शेड को लेकर नीचे लोअर लैश लाइन पर इस तरह से स्मर्ज किया है ताकि आई मेकअप हमारा बैलेंस आउट हो जाए। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद मैंने फॉल्सेस अप्लाई कर लिए थे ऑफ कैमरा एंड यहाँ पर मैंने लैश बैंड को हाइड करने के लिए आईलाइनर का यूज़ किया है। देन इनर थर्ड पर मैं
सेम ग्लिटर लिक्विड आई शेडो को अप्लाई करूँगी। इससे आपके आईज़ जो है काफ़ी बिग लगते हैं एंड साथ ही ब्यूटीफुल लगते हैं। सो थोड़ा सा मैं ब्रॉ बोन को हाइलाइटिंग के लिए भी इसे अप्लाई करूँगी। देन मैंने मस्कारा अप्लाई किया है मेबलिन का, और ये वाला मस्कारा भी बहुत ही अच्छा है। अपर एंड लोअर लैशेस पर हम मस्कारा को अप्लाई कर लेंगे लाइक दिस। उसके बाद मैंने सेम पैलेट्स की हेल्प से कंटूर किया है, ब्रॉन्ज किया है एक ब्राउन शेड को लेकर। जैसे कि आप देख सकते हो पहले मैं नोज़ की कंटूरिंग करूँगी। एंड एक पैलेट आप आपके पास हो जिसमें न्यूट्रल शेड्स हो तो आप इस तरह से मल्टीटास्किंग यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा मैंने अपने आईब्रोज फिल किए, अपना आई मेकअप पूरा सेम पैलेट से किया। देन यहाँ पर मैं इसे कॉन्टूर की तरह यूज़ किया एंड यहाँ पर मैं इसे ब्लश की तरह भी मैंने सेम पैलेट में से एक बेबी पिंक शेड लेकर डैम्प स्पंज की हेल्प से मैं से अपने एपल ऑफ माई चिक्स पर अप्लाई किया। नाउ यू कैन सी कि कितना ब्यूटीफुल सा हमारा चिक्स पर कलर आया है। नो यहाँ पर ग्लैम 21 का हाइलाइटर लिया है जो कि गलती से ब्रोक हो गया था, तो मैंने इसे मेकअप फिक्सर की हेल्प से फिक्स कर लिया है। ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर था बट पता नहीं टूट गया। नाउ यू कैन सी द सेटल ग्लो आपको देता है, आपको 300 रुपीज़ के प्राइस में मिल जाएगा या फिर उससे कम प्राइस में ही मिलेगा। सो यूजुअल प्लेसेस जहाँ हम हाइलाइटिंग करते हैं वहाँ पर लगाएंगे और साथ ही से ब्लेंड आउट की कर लेंगे। अगर थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में आपका हाइलाइटर ब्लश अप्लाई हो गया तो आप सेम गीले स्पंज की हेल्प से इस तरह से डैब डैब कर ले, जो भी एक्सेस होगा इस पर इसे सोक कर लेगा एंड आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी नेचुरल सी फिनिश मिल जाएगी। देन हिलारी रोडा की लिपस्टिक ली है, ये बुलेट लिपस्टिक है। ये ब्यूटीफुल सा ऑरेंज टू रेड अंडरटोन लिपस्टिक है, इसे मैं अप्लाई कर लूँगी। एंड यहाँ पर मैंने एक फेक मोल अप्लाई किया है, डाला है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। नाउ मैंने मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने बिग सा मांग टीका अप्लाई किया है एंड ये मेरा हिजाब लुक है। सो गाइस कैसा लग रहा है मेरा ये ईद मेकअप लुक? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।